लेकिन शनि चंद्र इकट्ठे हों, मंगल की एक दृष्टि कोई सी भी इनके ऊपर पड़ जाए, आर्मी 100% डिप्रेशन में होगा, 100%। वो आदमी की प्रॉब्लम क्या है, वो अपने आप से बात करता है। और बीवी खड़ी हो तो उसे अच्छी नहीं लगती, बैठी हो तो अच्छी नहीं लगती। औरत को आदमी इस तरह से नहीं अच्छा लगता, इसके लिए एक वो चुटकला बना हुआ बड़ा प्यारा सा। वो एक आदमी आता, वो कहता जा मेरे लिए एक अंडा उबाल के ला, एक आमलेट बना के ला। अब वो बना के ले आती है, कहता तू पागल है, जिसका आमलेट बनाया उसको तो उबालना था और जिसको उबाला है उसका आमलेट बनाना था। ये लोग इस तरह के होते हैं। ये सीधी चीज को कभी भी टेंशन बनाई ही देखे। इनका बच्चा अगर कपड़े बदल रहा है ना, ये उसके लिए भी लड़ाई करेंगे कि इसने जब ये टांग उठाई थी तो इसके पास में ये कुर्सी क्यों नहीं रखी या बेड का सहारा क्यों नहीं दिया, जबकि बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो तो रोज ही कपड़े बदलता है, समझे। और इन लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, 20 साल पहले जब मेरे चाचा की शादी थी तब नहीं ये आए थे, मैं भी नहीं इनके पास जाऊंगा, उससे बीच में हजार बार तो मिल चुके हो यार, सारी तुमने काम किए इकट्ठे बैठे सब कुछ किए। अब ये 20 साल बाद क्या हुआ, अगले दिन अगर वही आदमी सामने आ गया, इनको शर्म भी इतनी आती है, या तो मिलेंगे या कन्नी काट के बिल्कुल जाके कोने में खड़े हो जाएंगे, समझे, ताकि सामना ही ना हो। ये होता है बेटा डिप्रेशन। और ये लोग इतने जबरदस्त क्लेश कारक होते हैं कि पूछिए मत। इसका दूसरा रूप भी है, दूसरा रूप है मंगल और चंद्र इकट्ठे हो और शनि उस वक्त में दसवें या ग्यारहवें घर का ना हो, शनि दसवें या ग्यारहवें घर का ना हो और मंगल चंद्र पे दृष्टि डाल दे, आदमी की जिंदगी नरक। जितने मर्जी बड़े बाप का बेटा हो, पैसे के नुकसान भी होंगे और इस घर में कलेश और बीमारी सब होंगे। मंगल और चंद्र दोनों इकट्ठे हों, शनि दसवें और ग्यारहवें घर से दृष्टि इनके ऊपर ना डाल रहा हो, अगर दसवें ग्यारहवें घर में शनि बैठ के मंगल चंद्र पे दृष्टि भी रखता है तो क्लेश नहीं होगा, नुकसान नहीं होंगे। इसके अलावा जो भी योग बनेगा ऐसा जन्म कुंडली के अंदर कि शनि की दृष्टि मंगल और चंद्र पे हो, घर के अंदर क्लेश भी होगी, बीमारी भी होगी, नुकसान भी होंगे, कोई टाल ही नहीं सकता लाल किताब के उपायों के अलावा, दम नहीं है किसी में भी। इसके उपाय करने बहुत जरूरी। चलो जितना बताया है इतने का उपाय तो जानना ही चाहोगे, चाहे वो मंगल शुक्र वाला हो, चाहे ये चंद्र मंगल वाला हो। तो बेटा इसका उपाय 43 दिन लगातार मीठे पीले चावल केसर डाल के बनाओ, सबसे उत्तम, नहीं तो खाने वाला रंग डाल लो। 43 दिन मीठे पीले चावल बनाकर मंदिर चढ़ा करके बांटो और उसके बाद अपनी लाइफ के अंदर वो दिन ना आए जब हर मंगलवार या सोमवार को एक दिन चुन लीजिए, उसके अंदर बांटते रहो। और दूसरा इसका उपाय 27 दिन लगातार तवा चिमटा या अंगीठी इनमें से कोई भी एक चीज लेकर के दान दे दीजिए और उसके बाद अगले 3 साल तक कोई एक शनिवार खाली ना जाए जिसमें कि आप तवा चिमटा या अंगीठी दान ना दें। इसमें आराम आपको पहले 1.5 से 3.5 महीने के अंदर आ जाएगा, लेकिन आप उपाय नहीं बंद कर सकते, अगर आपने कर दिया तो ये योग वापस घूम के आ जाएगा और आपको बहुत दुखी करेगा।